तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूके पीएससी लेक्चरर रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड के तरफ से यहाँ पे लेक्चरर के लिए बड़ी पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यह वैकेंसी ऑप्टिमाइज किया गया दोस्तों। लेक्चरर के पद पर भर्ती निकाली गई, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 13 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 18 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है दोस्तों, और 7 नवम्बर 2024 तक चलने वाला है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं 19 से लेकर 28 नवम्बर तक एडिट भी कर पाएंगे। एग्जाम का डेट जल्द ही यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 172 रुपया लगेगा। वहीं एससी एसटी यहाँ पे देख सकते हैं 82 रुपया में आवेदन कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 22 रुपया, और वहीं देख सकते हैं पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो मिनिमम आपका एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। एक एक देख सकते हैं 1/7/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा दोस्तों। नियम अनुसार एज में छूट भी देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लेक्चरर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, जो टोटल 613 पदों पर भर्ती निकाली गई। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी रिलेटेड सब्जेक्ट का कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। इसी साइट के माध्यम से आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदन का लिंक देखने को मिलेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को लिंक पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने का निर्देश आ जाएगा दोस्तों। किस तरह से आवेदन फॉर्म भरना है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 5 स्टेप में आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसी प्रकार यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके प्रकार पेमेंट यहाँ पे जमा करना होगा, उसके बाद अप्लीकेशन फी का प्रिंट आउट निकालना होगा। तो हम स्टेप बाई स्टेप एक एक कर पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको सिंपली नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा दोस्तों। इसमें शुरू से अंत तक जो भी जानकारी मांगा जा रहा है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो आप वीडियो में को लगातार देखते रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कैंडिडेट नेम डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना होगा दोस्तों, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मदर नेम डालना होगा। मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डे मंथ, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एज काउंट कर बता दिया जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एज कितना हुआ। उसके बाद रिलीजन आपको बताना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी बताना होगा। जेंडर सेलेक्ट किए, मेल फीमेल, उसके बाद मैरिड अनमेरिड अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इंडिया का निवासी है तो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या आपका नाम यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य इंजीनियर राज कार्यालय से पंजीकृत है तो है, तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो अपने अनुसार क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में भी जानकारी मांगा जाएगा। सिंपली यहाँ पे जानकारी को फिल करना होगा दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आप अपने अनुसार क्लिक कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लॉय है तो हाँ, यस या नो, अपने अनुसार यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इम्प्लॉय हैं तो आपको यस करके जानकारी देना होगा, और नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने अनुसार यस कीजिएगा, उसके अनुसार यहाँ पे जानकारी मांगा जाएगा। गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, यहाँ पे प्राइवेट है, जो भी आपको बताना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं उसके आवेदन का तिथि के बारे में यहाँ पे जानकारी देना होगा, एनओसी के बारे में, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य मान्यता विश्वविद्यालय से यहाँ पे प्राप्त किए हैं तो हाँ, तो यस, नहीं तो सिंपली नो क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड का निवासी हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नो कीजिएगा तो आपको एलिजिबल नहीं रहिएगा दोस्तों, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है क्या आपके पति या पत्नी आपके माता पिता उत्तराखंड में राजनीतिक सैनिक थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में बाहर अंतरातीत की गई है, तो हाँ यस नहीं तो नो क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब सवाल आपके ऊपर लागू होता है, तो आप यस या नो कर सकते हैं दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पे पढ़कर जवाब दे सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया दोस्तों, जो भी आपको समझ में आता है आप पढ़कर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पति या पत्नी आपके माता पिता उत्तराखंड का निवासी है, लेकिन शिक्षा उद्देश्य के उत्तराखंड से आप बाहर गए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यस सिंपली नो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी है यहाँ पे आपके ऊपर लागू होता है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप उत्तराखंड का निवासी है तो यस करिए, यहाँ पे जानकारी मांगा जाएगा दोस्तों उससे रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बताना होगा, वही एक सर्विस मैन के बारे में बताना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं पीएच यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के बारे में बताना होगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं दोस्तों, हाई तो यस नहीं तो सिंपली नो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जानकारी हाइड किया जाएगा दोस्तों, नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बताना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं किस लेवल द्वारा या अथॉरिटी द्वारा कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी किया गया, उसके बाद डेट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे, तो उसके बाद वैलिड फोटो अपलोड करना होगा, तो आप अपने अनुसार जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। अगर आप यूअर सेलेक्ट करते हैं तो आपको सभी ऑप्शन हाइड हो जाएगा दोस्तों, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है सिंपली आप, और उत्तराखंड का निवासी नहीं है तो आपको देख सकते हैं यूअर यानी कि जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा यानी कि ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, तो सिंपली आप ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी को यहाँ पे देख सकते हैं पूरी ईमेल आईडी फुल ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली जो भी आपका ईमेल आईडी है .com तक डालें। उसके बाद ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा इसी ईमेल को उसी प्रकार इस बॉक्स में भी डालना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सिंपली डालने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोन नंबर डालना होगा, तो सिंपली मोबाइल नंबर डालिए कन्फर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन वन लाइन टू मिलाकर फुल एड्रेस का जानकारी देना होगा। उसके बाद विलेज सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कीजिए किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद पिन कोड डालिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए, नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा, अलग है तो वन टिक करके यहाँ पे अलग से टाइप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने एड्रेस का फुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होगा, पिन कोड यहाँ पे डालना होगा, तो आप अपने एड्रेस का फुल जानकारी दे सकते हैं, सेम पर क्लिक कीजिए, नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने का स्थान बताइए, आप अपने नज़दीकी सिटी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद एक पासपोर्ट बनाना होगा दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर की लोअर की स्पेशल कैरेक्टर कोई फंक्शनल की होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राजा कुमार है तो आप राजा @1234 इसी प्रकार से पासपोर्ट बना सकते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट को क्रिएट करना होगा, तो आप अपने अनुसार पासपोर्ट क्रिएट कीजिए, उसके बाद पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद दोबारा इस पासपोर्ट को इस बॉक्स में डालना होगा, यहाँ पे कैप्चर फिल कर आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने अगले पेज खुल जाएगा दोस्तों, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली बताएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी को वेरीफाई करना होगा, आपको जो डिटेल भरे हैं यहाँ पे सभी जानकारी शो किया जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें कुछ जानकारी फिल मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन में डालें, और कुछ जानकारी को फिल करना होगा, तो देख सकते हैं आपको सिंपली प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल डिटेल का आ चुका है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपली डालना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे पोस्ट अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना होगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे जानकारी मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं, उसके बाद इंटरमीडिएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन देख सकते हैं, तो जो जो जानकारी पोस्ट के अनुसार आपको भरना होगा जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैट्रिक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा, मैट्रिक की डिग्री डालिए, यहाँ पे देख सकते हैं किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया आपको देखते हैं बताना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी स्टेट से मैट्रिक पास किया दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू का तिथि बताना होगा, यानी कि मार्कशीट का तिथि यहाँ पे बताना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिए, आपको डे मंथ ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे
मार्क टाइप सेलेक्ट करते हैं तो आपको परसेंटेज जीपीए जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको मार्क बताना होगा, ऑब्टेंट मार्क यहाँ पे मैक्सिमम मार्क बताना होगा, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट किया जाएगा, उसके बाद ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का जानकारी देना होगा, आपको स्ट्रीम बताना होगा, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, पासिंग ईयर वगैरह यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों, डे मंथ ईयर चुनना होगा स्ट्रीम यहाँ पे। तो एक एक कर सभी को यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगता है, आप एक एक कर यहाँ पे चुनकर इसी प्रकार से आपको जानकारी को फिल करना होगा दोस्तों। उसी प्रकार से हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जोड़ते जाइए, आपको नीचे यहाँ पे जिस तरह से जोड़ते जाइएगा उसी प्रकार से यहाँ पे शो करते रहेगा। तो आप एक एक कर जहाँ तक आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, आप अपने पोस्ट के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ पे ऐड करते जाइए दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, गलत हो जाता है तो क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक है यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रिफरेंस देना होगा। तो देख सकते कि आपके पास 2 साल का अधिक सेना में है तो यस नो, सिंपली अपने अनुसार यहाँ पे पढ़कर सभी सवाल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिटी का प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों, सिंपली एग्जाम सेंटर का सिटी का प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद क्या आप कोई खिलाड़ी आपराधिक मामले में शामिल की गई है खिलाफ मामले, तो यस नो, अपने अनुसार इन सभी सवालों को जवाब दीजिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो सिलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर देकर यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉक्स पर टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर के यहाँ पे साइज बताया गया दोस्तों, तो जो भी साइज बताया गया है आपको जेपीजी फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में पूरी साइज वगैरह मेंशन किया गया, कितना केबी से लेकर कितना केबी तक फोटो होनी चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर होनी चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ पे पूरी तरह बताया गया है। उसी प्रकार से हाई स्कूल का यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा दोस्तों। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर अपलोड करना होगा। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर अपलोड करना होगा दोस्तों। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हैं उसी के अनुसार यहाँ पे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाले वहीं तक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, सिंपली बीटेक का। उसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे बारे में बोला जा रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद सभी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरे हैं आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जानकारी यहाँ पे शो किया जाएगा, आपको नीचे आना होगा, तीनों बॉक्स पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपको क्लिक टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट करना चाहते हैं आप बड़े ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट होने के बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसे निकालकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।